16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में हम लोग ये भूगर्भ जल सप्ताह मना रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी लोगों से हम लोग अपील करके एक जन आंदोलन के रूप में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करके बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट्स जो हम सबके स्तर से हो सकते हैं उस पर बात करें और उस पर जागरूक करें सभी को। और इंस्टीट्यूशनली हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जहाँ पे पूर्व से बने हुए हैं वो फंक्शनल होने लगे। कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि वो फंक्शनल नहीं है, तो उनको तकनीकी इनपुट देकर कैसे फंक्शनल कराना है। जहाँ नहीं बने हैं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने। अभी अमृत सरोवर जनपद में कई जगहों पर बने हैं और आगे काम भी हो रहा है उसमें तेज़ी से। तो इन तरीकों से जल संरक्षण को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने कल भी एक प्रारंभिक बैठक सभी विभागों के साथ किया है, उसमें सबको अपने स्तर पर भी छोटे छोटे प्रयासों से कैसे एक एक बूंद करके गागर भरता है तो इसके प्रति सबको जागरूक किया है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी बोला गया है कि एक एक बूंद बचाकर जितना उपयोग करना है उतना ही लोग इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमारा मानना है कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से तस्वीर बदल रही है। रायबरेली इस मामले में लकी है कि हमारा वाटर टेबल कहीं पर भी बहुत लो नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसके प्रति सजग रहने की ज़रूरत है और आगे आने वाले समय में हमारे आगे की पीढ़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण से लेकर के जल संरक्षण के सभी उपायों को हम लोग अपनाएं बढ़ चढ़ कर, और आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपना योगदान देते हुए इस अभियान को यहाँ सफल बनाएँ।